नमस्कार, इजी टू कुक फूड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हम बनाएंगे नवरात्रा स्पेशल साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना की खिचड़ी बनाने की जो रेसिपी मैंने यहाँ पर शेयर की है, बहुत ही इजी तरीके से शेयर की है, बहुत ही अपने तरीके से शेयर की है। आइए मिलकर बनाते हैं इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो साबूदाना था उसे मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखा है, और ये मैंने मोटा वाला साबूदाना ले रखा है। सो उसको भिगो दिया था मैंने अच्छे से, और उसके बाद उसका सारा जो पानी था निथार लिया था। तो ये देखिए, हमें इन सब सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब सामग्री के साथ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैंने 1 कप ले रखा था साबूदाना, और भिगोने के बाद ये 100 ग्राम साबूदाना है। भिगोने के बाद फूल गया है बहुत अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से ये फूल जाता है, और ये इसकी पहचान होती है कि किस तरह से ये साबूदाना दिखता है। ये देखिए, इस तरह से हम तोड़ेंगे तो ये इस तरह से टूटना चाहिए आसानी से। मैंने नमक लिया है यहाँ पर, मैंने देसी घी ले रखा है, मैंने नींबू का रस लिया हुआ है। सारी सामग्री का नाप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है मैंने हींग भी ले रखी है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये देखिए हींग ले रखी है मैंने यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो है सौंफ ले रखी है थोड़ी सी। मैंने ये देखिए यहाँ पे सौंफ ले रखा है मैंने। ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं यहाँ पे मैंने थोड़े से, 2 बड़े चम्मच। और मैंने मूंगफली के दाने ले रखे हैं 3 बड़े चम्मच। और फिर ये सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो आइए मिलके बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने जो भिगा हुआ साबूदाना था इसको मैंने एक बोल में डाल दिया है। उसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच ही नमक डाल के मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें मिक्स करना है, उसे साइड में रख देंगे। ये देखिए, अब मैंने पैन ले लिया, उसमें देसी घी ले लिया था मैंने 2 बड़े चम्मच। और इसके बाद मैं ये ड्राई नट्स जो हैं इनको सेकूंगी अच्छे से, 1 से 2 मिनट के बीच में तल लूँगी इसे अच्छी तरह से, और उसको फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं निकाल रही हूँ इसको। इस तरह से हम सारा निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है हम मूंगफली को भी इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए तलेंगे अच्छी तरह से। जब तक मूंगफली में, जब हम तलते हैं मूंगफली में तो खुशबू आने लग जाती है। तो ये देखिए, अब मैं मूंगफली डाल रही हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने मूंगफली को भी तलना शुरू कर दिया है यहाँ पर अच्छी तरह से। तो इसको, मूंगफली को तलने के लिए थोड़ा सा हमें समय चाहिए, तो वो ये भी अच्छे से भुन जाती है। इसमें चटक की आवाज़ आने लग जाती है अगर मूंगफली अच्छे से सेक गई है तो। तो ये इस तरह से देखिए, हमें अच्छे से चलाते रहना है। और जो हीट है मैंने मीडियम टू लो रख रखा है यहाँ पर। सो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये मैंने मीडियम टू हीट जो है लो पर रख रखा है हमने। सो इस तरह से मैं चलाती रहूँगी ये, और ये 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और ये अच्छी तरह से सेक जाएगी। और इसको भी मैं है जो एक बोल में निकालूँगी मूँगफली को अच्छी तरह से सेकने के बाद। ये देखिए, इस तरह से हमें सेकना है अच्छी तरह से। ये देख लीजिए, सो बस ये सिक जाएगी बहुत जल्दी से, और उसके बाद जो है हम इसे निकाल लेंगे, एक बोल में अलग से निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है हम खिचड़ी बनाने के लिए जो तड़का हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे। उसमें हम देसी घी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम करेंगे। ये निकाल लिया मैंने, देसी घी को गर्म कर लिया मैंने इसमें। अब मैं जो है इसमें सौंफ डाल रही हूँ थोड़ा सा, जो हमने सौंफ लिया था। मैं थोड़ा सा हीट को मीडियम टू हाई हीट पर रख दिया मैंने, और इसे भी हम क्रैक कर देंगे अच्छे से, कड़का लेंगे। फिर मैंने हींग डाला है यहाँ पर, ये देखिए इसको भी हम सेक लेंगे। और इसके बाद मैं हरी मिर्ची जो मैंने ली थी 2 छोटी वो काट के डाल रही हूँ, और मैं ये टमाटर डाल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हम टमाटर डाल लेंगे और इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे अच्छी तरह से, तब तक टमाटर मुशी हो जाएंगे और अच्छी तरह से पक जाएंगे। इस तरह से हमें पकाना है टमाटर को यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो हम कंटिन्यू उसको स्टर करते रहेंगे अच्छी तरह से। और बस यह है कि हमें ध्यान रखना है कि हम हीट को बहुत ज़्यादा ना रखें तेज़, नहीं तो ये जो सारा मसाला है जल जाएगा। इसमें मैंने नमक डालना है, तो मैंने नमक डाल दिया था इसमें थोड़ा सा। ये देखिए मुशी हो गए हैं टमाटर इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से तो टमाटर जो है पक गए हैं। तो अब जो है इस जगह पर हम उबला हुआ जो मैंने आलू लिया था उसको काट लिया है, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, इसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा नमक
जो है हम नमक डाल रहे हैं, और ये यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट लिया है या सेंधा नमक लिया है। व्रत में हम यही नमक खाते हैं इसलिए मैंने नमक ये वाला लिया है। आप दूसरा भी ले सकते हैं अगर आप ऐसे ही नॉर्मल ब्रेकफास्ट में इसे बना रहे हैं तो। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से यहाँ पर, ये देख लीजिए हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सारा मसाला है, जो नमक हमने डाला था, वो टमाटर और आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है यहाँ पर। अब मैं जो है हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें, तो हरा धनिया डालने से जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। पहले भी डालेंगे हम और बाद में भी डालेंगे, और इससे रंगत भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसको यहाँ पर अच्छी तरह से। बस सबसे बाद में जो है मैं यहाँ पर काली मिर्ची डालूँगी जो हमने ली थी ब्लैक पेपर। सो अब मैं जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप चाहें तो शुगर डालिए ना भी डालिए। अब मैंने काली मिर्ची डाल दिया है यहाँ पे, ब्लैक पेपर डाल दिया है। अब मैं इसको भी मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। ये देख लीजिए हमें अच्छे से मिक्स करना है ये सारा। ये देखिए मिक्स हो गया है और ये अच्छे से पका लिया था मैंने। बस अब सबसे लास्ट में हम ये जो साबूदाना का मिश्रण है जो हमने नमक और काली मिर्ची डाल के रखा था, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हम मिलाएंगे, एक सार कर देंगे अच्छे से, सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे मीडियम टू हाई हीट पर। ये देखिए मैंने मिला लिया है यहाँ पर अच्छी तरह से, और इस तरह से हमको कंटिन्यू चलाना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर हमें खुला रखना है और अच्छे से रखना है। फिर उसके थोड़ी सी देर के बाद मैं इसमें हल्के से पानी के छींटे डाल रही हूँ। ये देखिए बहुत हल्के हल्के हाथ से पानी के छींटे डालने हैं, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस मैं ढक के रख रही हूँ। ये देखिए मैंने ढक लिया है, बस ये 2 मिनट हो गए हैं, और अब जो है मैं इसको हटा दूँगी तो ये बहुत ही अच्छी और खिली खिली जो है खिचड़ी बनती है यहाँ पर। बस इसको ढकने के बाद ये 2 मिनट लगेंगे। ये देखिए ये किस तरह से, देखिए खिचड़ी एक तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब जो बाकी बची शुगर थी मैं वो डाल रही हूँ इसमें, और बस ये रेडी हो गई है खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है, ये नींबू का रस मैं डाली हूँ, लेमन जूस डाल दिया है इसमें मैंने, ये देखिए। और बस, और उसके बाद ड्राई नट्स डाल रही हूँ, और एक बार सब कुछ मिक्स करूँगी और उसके बाद अच्छे से मैं इसको सर्व करूँगी। ये देखिए जो भी हमने नट्स तले थे वो मैंने डाल दिए, और बाकी मैंने मूंगफली बचा दिए, जब सर्व करेंगे उस समय डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ अपने प्लेटर में, और बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए मैंने सर्व कर दिया है यहाँ पर, और आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाइए, और जो है अपने कमेंट और मुझे बताइए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कि किस तरह से एक एक दाना इसका कितना अच्छे से खिला हुआ दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी खिचड़ी बनने के बाद, जो पूरा दाना है इसमें ये बहुत अच्छे से खिला खिला दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से बनेगी ये दाना, एक एक दाना बिल्कुल मोती की तरह खिला खिला दिख रहा है। तो इस तरह से ये रेसिपी आप बनाइए, मेरे जो है रेसिपी को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए मैं और थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ यहाँ पे, इसे बहुत अच्छा लगता है ये हरा धनिया, इसके बहुत स्वादिष्ट बनता है इसे, और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप इस रेसिपी को बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ नई रेसिपी लाने के लिए। नमस्कार।